अगले प्रश्न में कुछ डेटा दिया गया है जहां पर कहा गया है कि माध्यिका से माध्य विचलन तथा माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। एक कॉलम में प्राप्तांक जो कि अंतराल के रूप में है और दूसरा विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो शून्य से 10 प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2, 10 से 20 अंक वाले 7, 20 से 30 अंक वाले 10, 30 से 40 वाले 5 और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं। तो मध्यिका की गणना करने के लिए हमें संचयी आवृत्ति पहले प्राप्त करनी होगी, तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें मध्यिका की गणना के लिए सहायक होगा। तो प्राप्तांक, विद्यार्थियों की संख्या और अंत में संचयी आवृत्ति। तो शून्य से 10 अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी थे, संचयी आवृत्ति 2, फिर 10 से 20 के बीच में 7 विद्यार्थी और 2 और 7 को जोड़ेंगे तो संचयी आवृत्ति 9 प्राप्त होता है। 20 और 30 अंतराल वाले 10 विद्यार्थी हैं और 9 और 10 को जोड़ेंगे तो संचयी आवृत्ति 19 प्राप्त होता है। 30 और 40 अंक प्राप्त 30 से 40 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी और 19 और 5 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा संचयी आवृत्ति 24। 40 से 50 अंक के बीच में प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 24 और 3 को जोड़ेंगे मिल जाएगा 27। तो यहां पर जो कैपिटल एन है यह 27 है, 27 बटे 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13.5, जो कि संचयी आवृत्ति 19 के अंतर्गत आता है, जो कि वर्ग 20 से 30 में है। तो इस प्रकार 20 से 30 जो अंतराल है यह मध्यिका वर्ग है। तो यहां पर लोअर लिमिट L1 इक्वल टू 20, अपर लिमिट L2 बराबर 30, F आवृत्ति 30 और कैपिटल N मध्यिका वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति 9 है या 9 है। तो हम लिखेंगे मध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू N बाई 2 माइनस कैपिटल F। मान रख देते हैं तो मिल जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन 10 इंटू 13.5 माइनस 9। तो सरल करने पर आपको मिल जाएगा 20 प्लस 4.5, सरल करेंगे तो मिल जाएगा 24.5। अब आगे चलते हैं जहां पर हम माध्य विचलन की गणना करेंगे। तो इसके लिए हम 5 कॉलम बनाएंगे, पहले में प्राप्तांक, दूसरे में विद्यार्थियों की संख्या, तीसरे में मध्यमान, चौथे में मॉड डी और पांचवे में एफ इंटू मॉड डी। प्राप्तांक शून्य से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और अंत में 40 से 50। क्रमशः विद्यार्थियों की संख्या 2, 7, 10, 5, 3। समीशन एफ 27 प्राप्त हुआ और वर्ग अंतराल का मध्यमान 5, 15, 25, 35 और 45। अब हम निकालेंगे मॉड डी। तो मॉड डी यहां पर पहले के लिए 24.5 में हम 5 को 5 में हम 24.5 को घटाएंगे तो मिल जाएगा ऋण 19.5 और इसका धनात्मक मान लेंगे तो मिल जाएगा 19.5। तो इसी प्रकार अगला जो अंक है वह प्राप्त होगा 9.5, फिर 0.5, फिर 10.5 और फिर 20.5। अब F इंटू मॉड डी करेंगे तो 2 और मॉड डी 19.5 का गुणा 39, 7 और 9.5 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 66.5, 10 और 0.5 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 5, 5 और 10.5 का गुणा करेंगे तो 52.5 और 3 और 20.5 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 61.5। तो समीशन ऑफ एफ इंटू मॉड डी ये मिल जाएगा 224.5। तो माध्यिका से माध्य विचलन समीशन ऑफ एफ इंटू मॉड डी अपॉन समीशन एफ, सरल करने पर 224.5 बटे 27, सरल करेंगे तो मिल जाएगा 8.31। तो यह एक राशि है जो हमें ज्ञात करना था। अब माध्य विचलन गुणांक ये होता है माध्य विचलन बटे मध्यिका, 8.31 बटे 24.5, सरल करने पर मिल जाएगा 0.34।
और यही इस दिए गए आंकड़ों का माध्य विचलन गुणांक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष विचलन ज्ञात कीजिए। एक कॉलम में वर्ग दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और उसके संगत बारंबारता दिया गया है 6, 7, 15, 16, 4 और अंत में 2। तो सबसे पहले हमें माध्यिका निकालना होगा, फिर माध्यिका के साथ विचलन ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसके एक कॉलम में होगा वर्ग, दूसरे कॉलम में होगा उसकी आवृत्ति या बारंबारता जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, और फिर संचयी बारंबारता जिसे CF भी लिखते हैं, और उसके बाद हमें एक मध्य मान चाहिए होगा वर्ग अंतराल का, उसे हम X से प्रदर्शित करते हैं। माध्यिका ज्ञात हो जाने के बाद इसके राइट साइड में हम दो और कॉलम शिफ्ट करेंगे या दो और कॉलम बनाएंगे। तो चलिए, पहला वर्ग अंतराल 0 से 10, इसकी आवृत्ति दी गई है 6, तो इसकी संचयी आवृत्ति 6 ही होगा, और x अर्थात मध्यमान 0 और 10 का मध्यमान 5। 10 से 20 एक वर्ग है जिसकी आवृत्ति दी गई है 7, और 6 और 7 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 13, तो इस वर्ग की संचयी आवृत्ति है 13, और इस वर्ग का मध्यमान 15। 10 और 20 को जोड़ के 2 से विभाजित करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15। अगला वर्ग है 20 से 30, इसकी आवृत्ति दी गई है 15, और 13 और 15 को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 28, अर्थात इस वर्ग की संचयी आवृत्ति है 28, और इस वर्ग अंतराल का मध्यमान है 25। अगला वर्ग है 30 से 40, इसकी आवृत्ति दी गई है 16, 16 और 28 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 44, जो कि इस वर्ग की संचयी आवृत्ति है, और इस वर्ग का मध्यमान 35। 30 और 40 को जोड़ के 2 से विभाजित करेंगे आपको मिल जाएगा 35। अगला वर्ग अंतराल है 40 से 50, इसकी आवृत्ति दी गई है 4, 44 और 4 को जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 48, जो कि इस वर्ग की संचयी आवृत्ति है, और 40 और 50 का जो मध्यमान है यह 45 है। अगला और अंतिम वर्ग 50 से 60 है, इसकी आवृत्ति 2 है, और 48 में जब आप 2 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 50, जो कि इस अंतिम वर्ग की संचयी आवृत्ति है। 50 और 60 के बीच का मध्यमान है 55। तो इस प्रकार यदि आप सभी बारंबारताओं का योग ज्ञात करते हैं तो इसे हम कैपिटल N लिखते हैं या फिर समीशन F लिखेंगे, ये है 50। तो यदि N/2 अर्थात 50/2 करेंगे तो मिल जाएगा 25। अब देखिए कि 25 जो है वो संचयी आवृत्ति 28 के अंतर्गत आता है, अर्थात माध्यिका वर्ग जो होगा यह 20 से 30 वर्ग अंतराल होगा, उसकी आवृत्ति 15 और उसकी संचयी आवृत्ति 28, और जो माध्यिका वर्ग है उसके ऊपर की जो संचयी आवृत्ति है या फिर उसके पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति है 13, तो इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करेंगे। तो कैपिटल F बराबर 13, L बराबर 20, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20 है, इस वजह से L बराबर 20, और I जो कि वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल अर्थात उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा, तो 30 में 20 घटाएंगे आपको मिल जाएगा 10, तो इस प्रकार हम लिखेंगे I बराबर 10। और F माध्यिका वर्ग की आवृत्ति 15 है, तो इसे हम लिखेंगे स्मॉल F बराबर 15। हम जानते हैं कि माध्यिका को MD से भी प्रदर्शित करते हैं, तो माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल F इनटू I, ये इसका सूत्र है जो कि हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब संगत राशियों का हम मान रख देते हैं, L बराबर है 20, तो मिल जाएगा 20 धन N/2, हमको मिल गया था 25, ऋण कैपिटल F जो कि 13 है, बटे स्मॉल F, और स्मॉल F का मान है 15 और I का मान है 10, तो इनटू 10। सरल करेंगे तो 25 में जब आप 13 घटाएंगे तो मिल जाएगा 12, तो ये 12/15 और उसमें हम 10 का गुणा है और साथ में 20 को जोड़ना है। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 20 धन 8 बराबर 28। तो अब हमें माध्यिका प्राप्त हो चुका है और कहा गया कि माध्यिका के सापेक्ष विचलन ज्ञात कीजिए। तो हम इस टेबल के राइट में एक और कॉलम बनाते हैं
जहां पर हम लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स माइनस एम डी या फिर मधिका, और मधिका का मान मिल गया है 28। तो देखिए कि पहला वर्ग 0 से 10, इसमें x का मान है 5, और 5 में जब आप 28 घटाएंगे तो मिल जाएगा -23, लेकिन मॉड कहा गया है तो आप उसकी धनात्मक मान को लिखेंगे तो मिल जाएगा 23। इसके बाद एक और कॉलम राइट में है जिसमें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी f इंटू मॉड ऑफ x माइनस एम डी। तो जो आवृत्ति दी गई है इस वर्ग की यह 6 है, और मॉड ऑफ x माइनस एम डी हमने निकाला है 23, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 138। इसी प्रकार 10 से 20 एक वर्ग अंतराल है, इसमें हम मॉड ऑफ x माइनस एम डी निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 13, और 13 और 7 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 91। अगला वर्ग है 20 से 30, जिसमें हम x मॉड ऑफ x माइनस md निकालेंगे तो मिल जाएगा 3, और 3 और 15 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 45। अगला वर्ग अंतराल है 30 से 40, यहां पर मॉड ऑफ x माइनस md निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 7, और 16 और 7 को गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 112। वर्ग अंतराल 40 से 50, तो मॉड ऑफ x माइनस md निकालेंगे आपको मिल जाएगा 17, 17 और 4 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 68। इसी प्रकार 50 से 60 वर्ग अंतराल के लिए मॉड ऑफ x माइनस एम डी निकालेंगे मिल जाएगा 27, और 27 और 2 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 54। तो समीशन ऑफ f इंटू मॉड ऑफ x माइनस एम डी, ये लास्ट वाला जो कॉलम है इसको जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 508। और हमें ज्ञात करना है मध्यिका के सापेक्ष विचलन, तो मध्यिका के सापेक्ष विचलन बराबर होता है समीशन ऑफ एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एम डी अपॉन कैपिटल एन। तो ये आपको मिल गया था 508, और कैपिटल एन का मान है 50, तो 508 बट्टे 50 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10.16। प्रश्न दिया गया है कि 10 विद्यार्थियों के वजन से संबंधित निम्न आंकड़ों के आधार पर मानक विचलन तथा उसके गुणांक की गणना कीजिए, और यह जो आंकड़े दिए गए हैं वह किलोग्राम में है, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 55, 55, 58 और 60। तो हम इसका हल लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो सिग्मा x अपॉन n ऐसा लिखते हैं इसको, और सिग्मा x का मतलब है सभी आंकड़ों का योग। तो 41 धन 44 धन 45 धन 49 धन 50 धन 53 धन 55 धन 55 धन 58 धन 60 बटे 10, क्योंकि कुल 10 आंकड़े हैं। योग करने पर मिल जाएगा 510, और 10 से भाग देंगे तो मिल जाएगा 51। तो यह कहा गया कि मानक विचलन तथा उसके गुणांक की गणना कीजिए। तो मानक विचलन की गणना करने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे, इसमें तीन कॉलम होगा। पहले कॉलम में हम वजन लिखेंगे जो कि x से प्रदर्शित कर रहे हैं जिसे, और समांतर माध्य से विचलन इसे हम d से प्रदर्शित करेंगे, और d स्क्वायर अर्थात जो विचलन हमें प्राप्त हुआ है उसका वर्ग। तो जब वजन 41 है तो समांतर माध्य से विचलन अर्थात 41 ऋण 51 करेंगे तो मिल जाएगा -10, और -10 का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 100। दूसरा डेटा है 44, तो इसका समांतर माध्य से विचलन आएगा -7, और -7 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 49। 45 का समांतर माध्य से विचलन -6 आएगा, और -6 का वर्ग करने पर आपको मिल जाएगा 36। 49 जो डेटा है इसका समांतर माध्य से विचलन आएगा -2, और -2 का वर्ग करने पर आपको मिल जाएगा 4। 50 का समांतर माध्य से विचलन -1 है, और उसका वर्ग करने पर आपको 1 मिलेगा। 53 का समांतर माध्य से विचलन है 2, और 2 का वर्ग करेंगे आपको मिल जाएगा 4। 55 का समांतर माध्य से विचलन है 4, और 4 का वर्ग करेंगे मिल जाएगा 16। यह डेटा दो बार है तो ये 55, 4 और 16 दो बार लिखेंगे। फिर 58 का समांतर माध्य से विचलन आएगा 7, और 7 का वर्ग 49, और अंत में 60 का समांतर माध्य से विचलन आएगा 9, और 9 का वर्ग करेंगे मिल जाएगा 81।
तो इस प्रकार वजन जो दिए गए हैं आंकड़े कुल 10 हैं, इस वजह से हम n बराबर 10 लिखेंगे। और सिग्मा डी स्क्वायर, ये जो डी स्क्वायर है इसका योग करने पर आपको मिल रहा है 356। तो आप जानते हैं कि मानक विचलन बराबर होता है वर्गमूल सिग्मा डी का वर्ग बटे n। तो सिग्मा डी स्क्वायर जो है ये मिला था 356 और n का मान मिला था 10, तो ये मान रख देंगे तो मिल जाएगा वर्गमूल 356 बटे 10 अर्थात वर्गमूल 35.6। हल करने पर 5.97 मिल जाएगा। अब मानक विचलन गुणांक की गणना करना है, तो मानक विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे समांतर माध्य, और मानक विचलन हमें प्राप्त हुआ है 5.97 बटे 51 समांतर माध्य। सरल करने पर मिल जाएगा 0.12, और यही वह अभीष्ट मान है जो हमें ज्ञात करना था। निम्न बारंबारता बंटन का मानक विचलन निकालिए, दो कॉलम दिए गए हैं, एक पद और दूसरा बारंबारता। पद है 7, 9, 11, 13 और 15 और इसके संगत बारंबारता दी गई है 2, 4, 8, 4, 2। तो इस प्रश्न में 7 से 15 के बीच में हम मान लेते हैं कि कल्पित माध्य 11 है। समांतर माध्य एग्जैक्टली कैलकुलेट ना करके हम कल्पना कर लेते हैं, तो इसे कल्पित माध्य कहते हैं। तो माना कि कल्पित माध्य 11 है। अब एक टेबल बनाएंगे जिसे मानक विचलन की गणना के लिए वह आवश्यक होगा। तो इसमें हम कुल मिलाकर के 6 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे पद, जो कि जिसे हम x से प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरा बारंबारता जिसे हम f से प्रदर्शित करते हैं, और कल्पित माध्य से विचलन इसे हम d से प्रदर्शित करेंगे। अगले कॉलम में f और d का गुणा होगा, और उसके अगले कॉलम में हम d स्क्वायर लिखेंगे, और उसके अगले कॉलम में f इंटू d स्क्वायर लिखेंगे। तो जो पद दिया गया है 7, 9, 11, 13 और 15 इसे लिख लेंगे, और इसके संगत बारंबारता 2, 4, 8, 4, 2 ये हम लिख चुके हैं। अब जो f आपको दिया गया है इसका आप योग निकाल लेंगे, जिसे सिग्मा f से प्रदर्शित करेंगे, ये बराबर 20 है। अब है कल्पित माध्य से विचलन, और कल्पित माध्य हमने माना है 11। तो 7 ऋण 11 करेंगे तो आपको मिल जाएगा -4, और f इंटू डी 2 × -4 करेंगे मिल जाएगा -8, और d का वर्ग करेंगे मतलब -4 का वर्ग करेंगे मिल जाएगा 16। f और d का स्क्वायर का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 32। इसी प्रकार कल्पित माध्य से विचलन -4 के बाद -2 लिखेंगे, फिर 0, फिर 2 और 4। किस प्रकार गणना करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर इसी प्रकार एफ डी वाला जो कॉलम है इसमें पहला डेटा आपको मिला था -8, दूसरा डेटा भी आपको मिल जाएगा -8, फिर 0, फिर 8 और फिर 8। अगला कॉलम है डी स्क्वायर का, पहला डेटा है 16, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद 0, फिर 4 और फिर अंत में 16। और एफ इंटू डी का स्क्वायर ये वाला जो डेटा है, ये कॉलम है, इसमें पहला डेटा आपको मिला था 32 या 32, उसके बाद आएगा 16, फिर 0, फिर 16 और फिर अंत में 32। तो हमें सिग्मा एफ डी निकालना है, तो आप देखिए सिग्मा एफ डी आपको मिल जाएगा 0, और सिग्मा एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर में जो डेटा दिया गया है, आंकड़े दिए गए, उनका योग, ये आपको मिल जाएगा 96। तो अब हम मानक विचलन की गणना करते हैं। मानक विचलन का सूत्र आपको पता है, ये होता है स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो यहां पर जो मान आपको पता है वह रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा वर्गमूल 96/20 -0/20 का वर्ग। गणना करने पर आपको मिल जाएगा वर्गमूल 4.8, और सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.19, और यही इस दिए गए बारंबारता बंटन का विचलन है, दिए गए बारंबारता विचलन का मानक बंटन है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न समंकों से प्रमाप विचलन तथा उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। एक कॉलम में दिया गया है प्राप्तांक और दूसरे में विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक है 5, 15, 25, 35 और 45, और उसके संगत विद्यार्थियों की संख्या है 2, 7, 10, 5 और 3। तो इस प्रश्न में हम मान करके चलेंगे कि कल्पित माध्य जो है ये 25 है, तो इसे लिखेंगे
कि माना कि कल्पित माध्य कैपिटल ए बराबर 25 है। अब जो गणना करना है उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कुल मिलाकर के 6 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में हम लिखेंगे प्राप्तांक, दूसरे में बारंबारता एफ या फिर विद्यार्थियों की संख्या, तीसरे कॉलम में लिखेंगे डी बराबर एक्स माइनस कैपिटल ए, यह विचलन है, फिर एफ इंटू डी, अगले कॉलम में डी स्क्वायर और अगले कॉलम में एफ इंटू डी स्क्वायर। तो पहला प्राप्तांक है 5 और इसकी बारंबारता है 2। अब 5 ऋण 25 करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऋण 20, यह डी के लिए पहला मान। फिर f इंटू डी, तो 2 और ऋण 20 का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण 40, d का वर्ग करेंगे अर्थात ऋण 20 का वर्ग करेंगे आपको मिल जाएगा 400, और f इंटू डी स्क्वायर मतलब 2 और 400 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 800। तो इसी प्रकार प्राप्तांक 15, उसकी बारंबारता 7, उसके लिए d ऋण 10, f d ऋण 70, d स्क्वायर 100 और f इंटू डी स्क्वायर 700। अगला प्राप्तांक है 25, इसकी बारंबारता है 10, इसके लिए विचलन आएगा 0, f इंटू डी 0 आएगा, d स्क्वायर ये भी 0 आएगा और f इंटू डी स्क्वायर यह भी 0 आएगा। अगला प्राप्तांक है 5, इसकी बारंबारता, अगला प्राप्तांक है 35, इसकी बारंबारता है 5 और इसका विचलन आ जाएगा 10, फिर f इंटू डी करेंगे तो मिल जाएगा 50 और d का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 100 और f इंटू डी स्क्वायर करेंगे आपको मिल जाएगा 500। फिर अगला प्राप्तांक है 45, इसकी बारंबारता है 3 और इसका विचलन है 20, f इंटू डी करेंगे तो मिल जाएगा 60 और d स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 400 और अंत में f इंटू डी स्क्वायर करेंगे आपको मिल जाएगा 1200। अब जिस जिस राशियों की आवश्यकता है उसका हम योग निकाल लेते हैं। तो पहला है सिग्मा एफ, बारंबारताओं का योगफल, ये मिल गया 27। सिग्मा एफ डी, यह 0 मिल रहा है और सिग्मा ऑफ एफ डी स्क्वायर यह मिल रहा है 3200। तो अतः अब हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। समांतर माध्य बराबर होता है कैपिटल ए धन सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जहां पर ए कल्पित माध्य है, ए का मान 25, सिग्मा एफ डी का मान 0 और सिग्मा एफ का मान 27। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 25। तो ये जो 25 अंक है यही समांतर माध्य है, या हमने जो कल्पित माध्य माना था यह वास्तविक में भी समांतर माध्य है। अब प्रमाप विचलन देखते हैं, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। मान रख देंगे तो आपको मिल जाएगा वर्गमूल 3200/27 ऋण 0/27 का वर्ग। सरल करने पर आपको मिल जाएगा वर्गमूल 118.52। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 10.886। अब बात करते हैं प्रमाप विचलन गुणांक की। तो प्रमाप विचलन गुणांक बराबर होता है प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य, अर्थात सिग्मा एफ सिग्मा बटे कैपिटल एम। तो मिल जाएगा 10.886/25। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 0.435 और यही वह अभीष्ट उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं, जहां दिया गया है कि शेयरों X और Y के नीचे दिए गए मूल्यों से बताइए कि किसके मूल्य में अधिक स्थिरता है। तो इसमें दो रो दिया गया है, पंक्ति दिया गया है X और Y। X में जो मान दिए गए हैं वह है 35, 54, 52, 53, 58, 52, 50, 51 और 49। इसी प्रकार Y में जो मान दिए गए हैं यह है 108, 107, 105, 105, 107, 104, 103, 104 और अंत में 101। तो प्रथम श्रेणी X के लिए हम पहले कैलकुलेशन करते हैं। माना कि कल्पित माध्य कैपिटल A बराबर 58 है और N आंकड़ों की जो संख्या है यह 9 है, तो N बराबर 9। तो उसमें तीन कॉलम बनाएंगे, पहला होगा कैपिटल X जो डेटा दिया गया है, या फिर उसे स्मॉल X से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा है D विचलन
बराबर एक्स माइनस ए और अंत में डी स्क्वायर। पहला आंकड़ा है 35, तो 35 ऋण 58 करेंगे मिल जाएगा ऋण 23, और ऋण 23 का वर्ग हम डी स्क्वायर वाले कॉलम में लिखेंगे, यह है 529। अगला आंकड़ा है 54, 54 ऋण 58 करेंगे मिल जाएगा ऋण 4, और ऋण 4 का वर्ग 16। इसी प्रकार 52 ऋण 58 करेंगे मिल जाएगा ऋण 6, और ऋण 6 का वर्ग 36। अगला आंकड़ा है 53, तो 53 ऋण 58 करेंगे ऋण 5 मिलेगा, और ऋण 5 का वर्ग 25। 58 ऋण 58 करेंगे मिल जाएगा 0, और 0 का वर्ग 0। अगला आंकड़ा है 52, और 52 ऋण 58 करेंगे मिल जाएगा ऋण 6, और ऋण 6 का वर्ग करने पर आपको मिल जाएगा 36। अगला आंकड़ा है 50, 50 ऋण 58 करेंगे मिल जाएगा ऋण 8, और ऋण 8 का वर्ग करेंगे मिल जाएगा 64। 51, 51 ऋण 58 करेंगे मिल जाएगा ऋण 7, और ऋण 7 का वर्ग करने पर आपको मिल जाएगा 49। अगला आंकड़ा दिया गया है 49, 49 ऋण 58 करेंगे मिल जाएगा ऋण 9, और ऋण 9 का वर्ग करेंगे मिलेगा आपको 81। अब हम सिग्मा डी निकाल लेते हैं, अर्थात दूसरे कॉलम में जो मान हमें प्राप्त हुए हैं उन सबका योग। सिग्मा डी बराबर ऋण 68, और सिग्मा डी स्क्वायर अर्थात डी स्क्वायर वाला जो कॉलम है उसमें जितने भी संख्याएं दी गई है सबका योग, यह है 836। तो मानक विचलन सिग्मा बराबर होता है स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब मान रख देते हैं, इस पे मिल जाएगा वर्गमूल 836 बटे 9 ऋण ऋण 68 बटे 9 का वर्ग। सरल करने पर आपको मिल जाएगा वर्गमूल 93 ऋण 7.5 का वर्ग। अब 7.5 का वर्ग करेंगे मिल जाएगा 56.25। अब 93 में 56.25 घटाएंगे आपको मिल जाएगा 36.75, और इसका वर्गमूल है। सरल करने पर लगभग मान हम लिख सकते हैं 6, क्योंकि 6 छक्के 36 होता है, तो 6.00 समथिंग कोई मान आएगा, तो हम लगभग 6 मानकर चल रहे हैं। अब यही गणना हम दूसरे श्रेणी y के लिए करेंगे। दूसरे श्रेणी y के लिए कल्पित माध्य a बराबर 107, आंकड़ों की कुल संख्या तो 9 है, तो n बराबर 9 लिखेंगे। अब इसके लिए हम पुनः तीन कॉलम बनाते हैं, एक में लिखेंगे y, दूसरे कॉलम में विचलन d बराबर कैपिटल y माइनस a, और अंत में d का स्क्वायर अर्थात विचलन का वर्ग। तो पहला आंकड़ा है 108, 108 ऋण 107 करेंगे मिल जाएगा 1, और 1 का वर्ग आपको मिलेगा 1। अगला आंकड़ा 107, 107 में 107 घटाएंगे मिल जाएगा 0, और 0 का वर्ग मिलेगा 0। फिर अगला आंकड़ा 105, 105 में 107 घटाएंगे मिल जाएगा ऋण 2, और ऋण 2 का वर्ग करेंगे मिल जाएगा 4। अगला आंकड़ा भी 105 है, तो उसके संगत मिल जाएगा ऋण 2 और 4 पुनः। अगला आंकड़ा 107, 107 ऋण 107 करेंगे मिल जाएगा 0, और 0 का वर्ग 0। अगला आंकड़ा है 104, 104 ऋण 7, 104 ऋण 107 करेंगे मिल जाएगा ऋण 3, और ऋण 3 का वर्ग आपको मिल जाएगा 9। अगला आंकड़ा 103, 103 ऋण 107 करेंगे मिल जाएगा ऋण 4, ऋण 4 का वर्ग 16, और फिर 104 ऋण 107 करेंगे मिल जाएगा ऋण 3, और ऋण 3 का वर्ग 9। अंत में आंकड़ा दिया गया है 101, 101 में 107 को घटाएंगे मिल जाएगा ऋण 6, और ऋण 6 का वर्ग 36। अब लिखते हैं सिग्मा डी बराबर ऋण 19, मध्य में जो कॉलम है इसका योग, और सिग्मा डी स्क्वायर जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 79। अब इसके लिए मानक विचलन सिग्मा की गणना करते हैं, स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। मान रख देंगे, मिल जाएगा वर्गमूल 79 बटे 9 ऋण ऋण 19 बटे 9 का वर्ग। सरल करेंगे तो मिल जाएगा वर्गमूल 8.8 ऋण 2 का वर्ग, लगभग हम मान लेकर के चल रहे हैं। तो वर्गमूल 8.8 ऋण 4 करेंगे, आपको मिल जाएगा 4.8 वर्गमूल के अंदर में, तो इसका मान मिल जाएगा लगभग 2.2। अब श्रेणी x के लिए हम विचरण की गणना करते हैं, तो समांतर माध्य कैपिटल M बराबर कल्पित माध्य A
धन सिग्मा डी अपॉन एन, आपको मिल जाएगा 58 धन ऋण 68/9। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 58 ऋण 7.5 बराबर 50.5, और इसके लिए विचरण गुणांक बराबर सिग्मा अपॉन एम इंटू 100 मिल जाएगा 6/50.5 फिर गुणा 100। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 11.9। दूसरी श्रेणी वाई के लिए विचरण की गणना करते हैं। समांतर माध्य कैपिटल एम बराबर कल्पित माध्य ए धन सिग्मा डी अपॉन एन, मान रखेंगे 107 धन ऋण 19/9, तो 107 ऋण 2 लगभग हम मान लेकर के चल रहे हैं, ये मिल जाएगा आपको 105। इसका विचरण गुणांक सिग्मा अपॉन एम इंटू 100 तो मिल जाएगा 2.2/105 गुना 100, यह मान मिलेगा 2.09। चूंकि शेयर वाई हेतु विचरण गुणांक का मान शेयर एक्स की तुलना में कम है, अतः शेयर वाई अधिक स्थिर है, और यही हमें ज्ञात करना था।